जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नए टॉपिक पर आप सबसे बात करने के लिए हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल शहरी जीवन में खास कर करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम बट शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों को मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी की प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है शुगर होने का मुख्य कारण क्या है। आजकल की हमारी ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, उचित आराम न मिल पाना बॉडी को, इसके अलावा हमारा खान पान। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य वजह है वो ये है हमारा खान पान। इतना हम फास्ट फूड पर आदि हो गए हैं क्योंकि बाहर काम करना, लेट नाइट तक काम करना, हम सो नहीं पाते हैं ढंग से, फिर आते हैं घर फास्ट फूड कुछ खाया सो गए, सुबह जगे फिर वहीं फास्ट फूड, तो इससे हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। दोस्तों अगर हम अपना खान पान सही नहीं रखते हैं, कंट्रोल्ड नहीं रखते हैं, तो हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। तो इन्हीं वजहों से मुख्यतः शुगर होता है। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम अपनी खान पान की आदतों, नियमित व्यायाम और योग की आदत डाल लें ताकि हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हमारा खान पान सही है और हमारी दिनचर्या सही है दोस्तों, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। हाँ एक मुख्य बात ये भी है कि आजकल बच्चों को भी शुगर की प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। तो वैसे लोगों के लिए अपना आजमाया होगा, हमारे भी जानने वाले कुछ लोग हैं जो शुगर से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने एक नुस्खा अपनाया दोस्तों, जिसकी बदौलत उन्होंने ना कोई ऑपरेशन कराया और ना ही कोई ट्रीटमेंट ली, बस देसी नुस्खा उन्होंने अपनाया और अपनी डाइट को कंट्रोल किया। आज वो आराम से 7 माले की बिल्डिंग चढ़ना या पैदल चलना या किसी भी काम में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो नुस्खा क्या है वो हम आप सबको बताते हैं दोस्तों। मेथी दाना 100 ग्राम, जी हाँ दोस्तों मेथी दाना 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, काली जीरा 25 ग्राम। अब इन तीनों को ले लीजिए दोस्तों और तीनों को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसे धूप में सुखा लें। जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाए तब आपको करना क्या है कि इसे मिक्सी में या कैसे भी बारीक पीस लेना है दोस्तों, ताकि ये चूर्ण बन जाए। जब ये चूर्ण बन जाएगा तो इसको इकट्ठा रख लें। अब शाम को खाना खाने वगैरह के बाद आप जब सोने जाते हैं उससे पहले हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए और उसके साथ 1 चम्मच इसके मिश्रण को यानी कि इस चूर्ण को ले लीजिए और सो जाइए। फिर सुबह जगकर आप अपने दैनिक क्रिया से निपटने के बाद आप ले लीजिए वापस 1 चम्मच जीरा वैसे ही गुनगुने पानी के साथ, मेथी दाना सौंफ और काले जीरा का चूर्ण आप ले लीजिए। इसके बाद जो मुख्य सावधानी आपको बरतनी है दोस्तों इसके साथ, वो ये है कि आप जब भी ये चूर्ण लें तो उसके 45 मिनट तक आप कुछ भी अन्न या कुछ भी ना खाएं तो सबसे बेहतर होगा। खासकर चावल, कोई भी फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें या जूस या शुगर जिसमें भी मिला हुआ हो वो खाद्य पदार्थ आप ना खाएं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आप इन चीज़ों का परहेज करें 45 मिनट तक चूर्ण लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों आप नियमित योगासन, योग आसनों का अभ्यास करके भी, जैसे खाना खाने के बाद वज्रासन पे आप बैठ जाएं, ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों वो मुख्यतः पेट पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ है, आपका लीवर सही है, तो आपकी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां तो खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने पेट को स्वस्थ रखें। और इसके लिए महत्वपूर्ण आसन है एक वज्रासन और टहलना, नियमित टहलना ना छोड़ें। चाहे आप, हो सकता है आपके पास सुविधाएं सारी हों, गाड़ियां हों, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप नियमित टहलना जारी रखें, इससे आप स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों।
धन्यवाद।